साइशा अब तक यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद थी। उसके साथ लावण्या और मिशिका की बातें अब तक कंटिन्यू थी। मिशिका की बात सुनकर साइशा ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। मिशिका का जवाब आया, हो सकता है तुम्हें अभी मेरी बात समझ ना आए हो, लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगी। ये लाइंस कहते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा और उसकी आवाज में अजीब सा भारीपन था। अपनी बात कहने के बाद मिशिका वहां से जाने लगी। लावण्या ने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मिशिका ने तीखी नजर उस पर डाली और धीरे से कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद लावण्या ने साइशा की ओर देखकर कहा, ये कहना क्या चाहती है? साइशा ने धीरे से कहा, पता नहीं इसका कहने का क्या मतलब था। साइशा की बात सुनकर लावण्या ने भी कोई जवाब नहीं दिया और वो दोनों वहां से अपनी क्लास लेने के लिए चली गई। शाम के 6 बज चुके थे। साइशा पहले से पहुंच चुकी थी और वो भारी कदमों से अपने बेडरूम की ओर जा ही रही थी कि तभी वहां हेड सर्वेंट पहुंचा। उसके हाथ में फ्रूट्स का बड़ा सा कांच का बाउल था और वो उसे लेकर अभय के रूम की ओर जा रहा था। उसे देखकर साइशा ने कुछ सोचा और कहा, क्या अभय आज ऑफिस नहीं गया? जवाब में सर्वेंट ने कहा, वो ऑफिस से जल्दी आ गए, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी ये बात सुनकर साइशा के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। उसने हैरान होकर कहा, क्या? हेड सर्वेंट ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। साइशा ने उससे फ्रूट्स का बाउल लिया और कहा, इसे मुझे दे दो, मैं अभय को दे दूंगी। हेड सर्वेंट ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और उसे बाउल देकर वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद उसने एक बार फिर धीरे से अभय के रूम का डोर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। साइशा ने धीरे से एक बार फिर डोर नॉक किया। इस बार भी रूम के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। साइशा ने धीरे से रूम का डोर ओपन किया और रूम के अंदर एंटर हो गई। उसकी नजर रूम में रखे किंग साइज बेड पर गई जहां अभय सो रहा था। हमेशा एक्टिव रहने वाले अभय को इस तरह देखना साइशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उसके करीब गई और साइड टेबल पर फ्रूट्स रख दिया कि तभी अचानक अभय ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लिया। अभय के इस अटैक के लिए वो फिलहाल रेडी नहीं थी, इसीलिए वो जोर से चीख पड़ी। अभय ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से उसके कानों के करीब आकर कहा, शांत हो जाओ वरना पहले इसकी सिक्योरिटी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। साइशा की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। उसने अभय की ओर देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अभय ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। अभय उसकी नजरों को बगैर पलके झपकाए देख रहा था। अभय ने धीरे से कहा, अब तुम कुछ कहते क्यों नहीं? साइशा ने अपनी आंखों से अभय को इशारा किया। अभय ने इशारा पाकर तुरंत उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया और कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें ना अपने इतने करीब देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, सब भूल जाता हूँ। इस वक्त अभय साइशा के बेहद करीब था। उसके हाथ हटाते ही साइशा ने शिकायती लहजे में कहा, मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अगर तुम कहो तो मैं डॉक्टर को कॉल करूं। ये सारी बातें उसने एक सांस में कही थी। उसकी बातें सुनकर और उसका मासूम फेस देखकर अभय ने आंखें गोल घुमाकर कहा, तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तकलीफ में देखकर तुम भी परेशान होने लगी हो? ये कहते हुए अभय उसके और करीब चला गया और उसके कानों के करीब आकर धीरे से कहा, मेरी जंगली बिल्ली मेरी इतनी केयर करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हुए अभय उसकी गर्दन के करीब अपने होंठ ले गया। साइशा ने उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, अभय ये क्या कर रहे हो तुम? अभय ने आंखें बंद करके खोए हुए ढंग से कहा, तुम इतने सवाल क्यों करती हो, कभी मेरी खामोशी भी फील कर लिया करो। साइशा अपने गर्दन पर उसके गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी और अभय ने भी उस पर अपनी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत कर रखी थी। साइशा ने धीरे से कहा, क्या तुमने अपनी मेडिसिंस ली? अभय ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से बोला, वही तो ले रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है टाइम पर मेडिसिन लिया करो। ये बोलकर अभय उसके कानों में किस करने लगा। साइशा ने अभय से कहा, अभय आज तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। अभय ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसकी बात खत्म होते ही साइशा बोल पड़ी, अब ज्यादा बनो मत, मुझे पता है आज मिशिका की सच्चाई तुम्हारी वजह से सामने आई है। अभय ने आईब्रोज उचकाकर कहा, इसका मतलब मेरे छोटे भाई ने मेरा क्रेडिट नहीं लिया? कि कहते हुए वो उसे देखने लगा। साइशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, थैंक यू अभय मेरा सपना टूटने से बचाने के लिए। अभय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा,
मेरे रहते कभी तुम पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। और रही तुम्हारे सपनों की बात, तो अब है तुम्हारे किसी भी सपनों को टूटने नहीं देगा, ट्रस्ट मी। उन दोनों की आज की रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन जब साईशा स्टाफ रूम पहुंची, भाव उसकी नजर मेशिका पर पड़ी जो कि एक बड़े से बॉक्स में अपना सामान पैक कर रही थी। साईशा ने वहां मौजूद लावण्या के पास जाकर धीरे से कहा, क्या ये कॉलेज छोड़कर जा रही है? लावण्या ने धीरे से कहा, जिस तरह ये अपने सामान पैक कर रही है, इसे देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि ये कॉलेज छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये लाइंस कहते वक्त उसकी आवाज में खुशी थी। स्टाफ रूम में काफी टीचर्स मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिशिका से कोई बात नहीं की और ना ही मिशिका ने किसी से बात की। कुछ देर बाद मिशिका एक बड़ा सा बॉक्स लेकर बगैर किसी से कुछ कहे वहां से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद लावण्या ने अपने पास बैठे साईशा की ओर देखकर कहा, अच्छा हुआ जो हमारे कॉलेज का एक बड़ा कलंक यहाँ से चला गया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतनी सीधी सादी और कम बात करने वाली मिशिका तुमसे इतना जलती है। जवाब में साईशा ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे बदला लेने के लिए वो इस हद तक जाएगी। उन दोनों की बातचीत चली रही थी कि तभी वहां एक आदमी पहुंचा। उसके हाथ में बड़ा सा बॉक्स था। वो आदमी लावण्या के पास आकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मिशिका मैडम का लॉकर कौन सा है? लावण्या ने एक लॉकर की ओर इशारा कर दिया। उस आदमी ने थैंक यू कहा और मिशिका के लॉकर की ओर जाने लगा। कुछ सोचकर लावण्या ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आपको हमारे डिपार्टमेंट में पहली बार देखा है, क्या आप न्यू ज्वाइनिंग है? जवाब में उस आदमी ने कहा, हाँ मैं यहाँ इस कॉलेज में सालों से काम करता हूँ। अब दरअसल मिशिका मैडम का ट्रांसफर दूसरी बिल्डिंग में होने की वजह से मुझे इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो आई एम आकाश। लावण्या और साईशा ने भी उसे अपना इंट्रो दिया। कुछ देर बात करने के बाद आकाश मिशिका के टेबल की ओर चला गया। उसके वहां से जाने के बाद लावण्या ने साईशा की ओर देखकर कहा, इसका मतलब ये मिशिका अभी भी इस कॉलेज में है। साईशा ने उसकी बात पर रिप्लाई किया, इसीलिए उसने हमें कल कहा था कि वो कहीं नहीं जाने वाली। लावण्या और साईशा की बातचीत चली रही थी कि तभी वहां मिसेस सिन्हा पहुंची। उन्होंने उन दोनों की बात सुन ली थी। उन्होंने उन दोनों के बीच में अपनी बात रखते हुए कहा, दरअसल मिशिका का बॉयफ्रेंड पुलिस डिपार्टमेंट में है, इसीलिए उसने मिशिका का केस संभाल लिया है। उसकी बात सुनकर साईशा और लावण्या एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को देखकर मिसेस सिन्हा ने कहा, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो यहाँ हमारे डिपार्टमेंटल काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बात सुनकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। साईशा ने स्टाफ रूम में एक बार फिर से नजर दौड़ाई। आज स्टाफ रूम में कई फीमेल टीचर्स की जगह मेल टीचर्स नजर आ रहे थे। ये देखकर साईशा ने मिसेस सिन्हा से कहा, आज स्टाफ रूम में इतने सारे नए चेहरे आ रहे हैं, क्या ये भी दूसरी बिल्डिंग से ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं? जवाब में मिसेस सिन्हा ने कहा, हाँ इन सबका ट्रांसफर हमारी बिल्डिंग में किया गया है, कई स्टाफ की जगह इन्हें यहाँ भेजा गया है। जवाब में साईशा ने हाँ में सर हिला दिया। शाम के 6 बजे आज की क्लास खत्म करके साईशा पैलेस पहुंची। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची, वहां अभय पहले से मौजूद था। वहां बैठकर वो मैगजीन पढ़ रहा था। अभय को देखकर साईशा ने कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अभय ने शरारती लहजे में कहा, तुम्हें देखकर तो पहले से बेहतर हो गई। साईशा ने आंखें गोल घुमाई और उसके पास रखे सोफे पर बैठ गई। अभय ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। हूं साईशा ने जवाब में कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभय उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। कुछ सोचकर उसने कहा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? साईशा ने उसकी ओर देखकर कहा, मिशिका का दूसरे बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभय आंखें सिकोड़ कर उसे देखने लगा और बोला, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसकी तकलीफ में कोई कमी नहीं की थी, अभी मैनेजमेंट से बात करता हूँ। ये कहते हुए इसने गुस्से से दांत पीस लिया और गुस्से से अपना मोबाइल निकाला। साईशा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अभय तुम क्या कर रहे हो? अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, मैंने कहा ना उसकी तकलीफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसे कॉलेज छोड़कर जाना होगा। जवाब में साईशा ने कहा, अभय उसके साथ ऐसा मत करो, कॉलेज में रहकर जब हर दिन वो सारे टीचर से इग्नोर फील करेगी, यही उसकी असली सजा होगी। अभय उसकी ओर देखने लगा। साईशा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मिशिका की जगह आकाश को दे दी गई है, अब मिशिका का हमसे कोई कनेक्शन नहीं होगा, वो दूसरी बिल्डिंग में जा चुकी है। आकाश का नाम सुनकर अभय ने आंखें सिकोड़ कर कहा, क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में मेल स्टाफ है? जवाब में साईशा ने कहा, हाँ बल्कि आज कई टीचर्स का ट्रांसफर दूसरी बिल्डिंग में कर दिया गया और उनकी जगह मेल टीचर्स का ट्रांसफर हमारी बिल्डिंग में हुआ है। ये बात सुनकर अभय ने कुछ सोचा और कहा, उनकी क्या एज होगी?
सायशा ने उसके सवाल पर ज्यादा गौर नहीं किया और कंधे उचकाकर बेतरकीबी से कहा, सारे अंडर 30 हैं। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, क्या मिस्टर अग्निहोत्री को इतनी भी अक्ल नहीं है कि सारी फीमेल टीचर एक बिल्डिंग में रखने चाहिए और सारे मेल टीचर्स एक बिल्डिंग में रखने चाहिए? मैं भी उनसे बात करता हूँ। ये कहते हुए वो अपना मोबाइल निकालने लगा। सायशा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अभय क्या कर रहे हो तुम? जवाब में अभय ने कहा, मैं नहीं चाहता तुम्हारे आसपास मेरे अलावा और कोई हो। सायशा ने उसे समझाते हुए कहा, अभय हम कलीग हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसकी बात खत्म होते ही वो बोल पड़ा, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं है जो तुम्हारे आसपास होते हैं। पता नहीं लोग तुमसे बेवजह जलन रखते, तुम्हें परेशान करते हैं। जवाब में सायशा ने कहा, अभय मुझे आदत है इन सब से निपटने की। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, और रही बात मेरे कलीग की तो वो लोग मुझे अच्छे लगे। उसकी बात खत्म होते ही अभय बोल पड़ा, कहीं तो मुझे छोड़कर उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए तो मैं उनकी जान ले लूंगा। उसकी बात खत्म होते ही सायशा जोर से हंस पड़ी और उसने हंसते हुए कहा, अभय प्लीज एक बार तुम चलकर उन्हें देख लेना, देखने में वो सभी शॉर्ट हाइटेड है और मुझे शॉर्ट हाइटेड लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसकी ये बात सुनकर अभय को सुकून मिला। उसने तिरछी स्माइल देते हुए कहा, इनडायरेक्टली तुम मुझे हैंडसम कह रहे हो, मेरी हाइट 6 फीट है। उसकी बात सुनकर सायशा ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अभय तुम ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? जवाब में अभय ने कहा, मैं कोई बचकानी बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी अभी तुमने ही तो कहा कि तुम्हें लंबे लड़के पसंद है। ये कहने के बाद अभय ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम्हारा वो जोकर नमन की हाइट पे 6 फीट की थी ना, क्या इसीलिए उस पर तुम्हारा क्रश था? अचानक अभय के मुंह से नमन का नाम सुनकर सायशा पल भर के लिए हैरान हो गई और उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। अभय ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, देखने में तुम्हें मैं ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हूँ या नमन? सायशा ने आंखें गोल घुमाकर कहा, अभय क्यों तुम अचानक ऐसी बातें करने लगे? लेकिन उसकी बातों का रिप्लाई किए बगैर ही अभय बोला, नमन ने तुमसे ज्यादा प्यार किया था या मैंने तुमसे ज्यादा प्यार किया है? अभय की आंखों में अजीब सी जिद दिखाई दे रही थी। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अभय अचानक तुम्हें क्या हो गया है? अभय अचानक ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा अब तक अभय के साथ पैलेस के लिविंग रूम में मौजूद थी और उनकी बातें अब तक कंटिन्यू चल रही थी। अभय की बात सुनकर सायशा ने उसकी ओर हैरानी से देखा और कहा, अभय ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम अपना कंपैरिजन नमन से क्यों कर रहे हो? ये बोलकर वो उसे देखने लगी। अभय ने अब भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके सामने अपने सवाल पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ मुझमें और नमन में किसने तुमसे ज्यादा प्यार किया? हम दोनों में कौन ज्यादा गुड लुकिंग है? हम दोनों में किसकी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव है? ये कहने के बाद अभय जिद्दी नजरों से सायशा को देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी और सायशा इस अजीब सी जिद को देखकर घबराहट महसूस कर रही थी। अभय ने उसकी ओर देखा और अपनी आवाज पर जोर देते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, वैसे तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है, अब क्या हुआ तुम्हें? जवाब दो। ये कहते हुए अभय उसे देखने लगा। सायशा ने अभय की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, नमन और तुम्हारी कहीं कोई बराबरी नहीं है, तुम जिद्दी हो लेकिन नमन की तरह धोखेबाज नहीं, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, नमन की तरह कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, और रही बात देखने की तो देखने में तुम ज्यादा गुड लुकिंग हो। उसकी बात खत्म होते ही अभय तुरंत बोल पड़ा, अगर तुम ये सारी बातें सच कह रही हो तो मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? जब तुम मेरी प्यार की गहराइयों को अच्छी तरह जानती हो तो क्यों मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो? ये कहने के बाद वो उसके जवाब का वेट करने लगा। सायशा ने उसकी ओर देखकर रिप्लाई किया, अभय तुम क्यों बार बार एक ही बातें करते हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं कर सकती। ये कहते टाइम उसका गला भर आया था और वहां से भागकर वो अपने बेडरूम में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दरवाजे से अपना सिर टिकाकर रोने लगी। अपने सवालों का जवाब लेने के लिए अभय उसके पीछे उसके रूम में पहुंचा और जोर जोर से उसके कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। सायशा ने रोते हुए कहा, अभय प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही हूँ, लेकिन अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। अभय ने एक बार फिर उसके डोर नॉक करते हुए कहा, तुम पहले डोर ओपन करो, आमने सामने बात करते हैं। सायशा ने डोर ओपन कर दिया। अभय रूम के अंदर आया।
उसकी नजर साइशा पर पड़ी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें खुद पर बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब तक से सक रही थी। अभय उसके करीब गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ सोचकर साइशा ने उसकी ओर देखा और कहा, अभय मेरा इस तरह तुम्हारे साथ रहना, रोज तुम्हारे साथ इस तरह सोना ठीक नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपने अपार्टमेंट में वापस चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो अभय के रिएक्शन का वेट करने लगी। उसकी बात खत्म होते ही अभय बोल पड़ा, मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा और अब ये बात सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर साइशा ने कहा, लेकिन अभय। अभय ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, कहा ना इस बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे। उसकी आवाज सुनकर साइशा को समझ में आ चुका था कि अभय से जिद करना बेकार है, इसीलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। अगली सुबह 9 बजे साइशा प्लेग्राउंड में मौजूद थी। उसके साथ उसकी क्लास के स्टूडेंट्स मौजूद थे। ग्राउंड में सारे लोग वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी कुछ स्टूडेंट्स की नज़र कॉलेज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर गई, जहाँ एक लड़की बिल्डिंग की वॉल पर बैठी हुई थी और वो नीचे ही देख रही थी। उस लड़की की पोजीशन देखकर अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। उस लड़की को देखने के बाद प्लेग्राउंड में हल्ला मच गया। लावण्या भागती हुई साइशा के पास पहुंची और उसने उस बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए साइशा से कहा, साइशा उस लड़की को देखो, वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करना चाहती है। जैसे ही साइशा की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक ये बात कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्डिंग के पास बड़े बड़े पर्दे और बेडशीट लेकर खड़े हो गए। लावण्या ने साइशा से धीरे से कहा, वो तुम्हारी क्लास की स्टूडेंट है, तुम उसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके उसे समझा सकती हो। साइशा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और वो मौका देखकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच गई, जहां वो लड़की बिल्डिंग की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उसे जैसे ही साइशा के आने की आहट सुनाई पड़ी, उसने तेज आवाज में कहा, आप प्लीज मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप मुझे नहीं बचा पाएंगी, सारा दोष आपके ऊपर आ जाएगा। साइशा उससे कुछ दूर के फासले पर मौजूद थी। साइशा ने शांत लहजे में कहा, तुम्हें देखकर मुझे पूछने की तो जरूरत नहीं है कि तुम क्या करने जा रही हो। अगर तुमने कभी भी मेरी रिस्पेक्ट की है तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? उस लड़की ने साइशा की ओर देखा और कहा, आप हम सभी की फेवरेट टीचर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बात सुनकर मैं अपना इरादा बदल दूं। साइशा ने शांत लहजे में एक बार फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम अपनी जान क्यों लेना चाहती हो, क्या मुझे वजह बता सकती हो? हालांकि कहते वक्त साइशा को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए उससे आगे की बात जानने की पूरी कोशिश की। उसकी बात खत्म होते ही उस लड़की की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसने भरे गले से कहा, मैंने जिसके साथ बहुत प्यार किया, जिसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने का सपना देखा, आज वो मुझे छोड़कर किसी और का हो गया। ये लाइन कहने के बाद वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी इस बात को सुनकर न जाने क्यों साइशा को अपनी ओर नमन की याद आ गई। उसकी आंखों के सामने नमन और टीना एक बार फिर घूमने लगे। उसे रह रहकर नमन की बेवफाई याद आने लगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, उस लड़की की वजह से तुम अपनी जान लेना चाहती हो, क्या तुम्हारी लाइफ में जीने की वजह सिर्फ वही लड़का था? उस लड़की ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। साइशा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या उस लड़के के अलावा तुम्हारे अपने कोई सपने नहीं है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते, जो तुम उस धोखेबाज लड़के के लिए अपनी जान लेने जा रही थी? उस लड़की ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने प्यार के बिना जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। ये कहने के बाद वो एक बार फिर रोने लगी। साइशा ने गहरी सांस लेकर कहा, जिस पल से तुम अभी गुजर रही हो, इस पल से मैं गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी हालत बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। साइशा की बात सुनकर उस लड़की ने एक नजर साइशा पर डाली और कुछ सोच कर कहा, मुझे पता है आप अपने और मिस्टर नमन सक्सेना की बात कर रही है ना? ये सवाल करने के बाद उस लड़की की नजरों में ढेर सारे सवाल तैर रहे थे। साइशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और कहा, क्या मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकती हूँ? कुछ सोचकर उस लड़की ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। साइशा संभल कर उसके करीब चली गई और उसने धीरे से कहा, हाँ मैं अपनी और नमन की बात कर रही हूँ,
मैं भी अपने प्यार से भरोसा खो चुकी हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ और अच्छी भली तुम लोगों के साथ हूँ, ये कहते वक्त सायशा की आवाज में गहराई थी। उस लड़की ने सायशा की आंखों में देखकर कहा, लेकिन मिस्टर नमन को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और वो आपको पाने के लिए कोशिश करते रहे। हमने तो यहाँ तक सुना है कि आप उनके पास वापस चली जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट भी किया। ये कहने के बाद वो सायशा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, जब उसने मुझे चीट किया था ना, मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं आप कभी इसके पास वापस नहीं। मुंडेर से नीचे की ओर छलांग लगा दी, लेकिन इसके पहले सायशा ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। इस वक्त वो लड़की 9th फ्लोर की टॉप बिल्डिंग पर हवा में झूल रही थी। सायशा ने कसकर उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था। उस लड़की ने रोते हुए कहा, मैम आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। उस लड़की को हवा में झूलते देख नीचे मौजूद सारे लोगों की हार्ट बीट तेजी से चलने लगी थी। सायशा ने उस लड़की से कहा, नहीं आर्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलकर सायशा ने दोनों हाथ से कसकर आर्या को पकड़ लिया। आर्या ने सायशा की पकड़ से छूटने के लिए जिद करते हुए जोर से अपने पैर हवा में लहरा दिए। अचानक ऐसा करने की वजह से सायशा अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और वो जोरदार चीख के साथ बिल्डिंग की मुंडेर पर हवा में लटक गई। अब सायशा का हाथ आर्या के हाथों से छूट चुका था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि बिल्डिंग के नीचे मौजूद लोगों ने उसकी जान बचा ली। लेकिन उसकी बेवकूफ़ी की वजह से सायशा की जान पर बनाई थी। वो मुंडेर पर अभी हवा में लटक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी वहाँ अमित पहुँच गया। उसने सायशा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा। अमित के साथ कुछ और लड़के भी मौजूद थे। और उधर अभय प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद था और उन दोनों की बातें कंटिन्यू चल रही थी। अभय प्रिंसिपल से कह रहा था, मिस्टर अग्निहोत्री आपको मेल टीचर का अरेंजमेंट अलग बिल्डिंग में रखना चाहिए और फीमेल टीचर का अरेंजमेंट दूसरी बिल्डिंग में रखना चाहिए, इससे सारे टीचर्स अपने काम में फोकस्ड रहेंगे। मिस्टर अग्निहोत्री बड़े गौर से अभय की बात सुन रहे थे। आखिरकार वो उनके कॉलेज के लिए भगवान से बढ़कर जो थे। उन दोनों की बातचीत चल रही थी कि तभी वहाँ कॉलेज का प्यून पहुंचा। वो काफी हड़बड़ाया हुआ था। हड़बड़ाते हुए वो बगैर डोर नॉक किए केबिन के अंदर एंटर हो गया। उसे देखकर मिस्टर अग्निहोत्री ने अपनी कड़क आवाज में कहा, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अंदर आने के पहले तुम्हें डोर नॉक करना चाहिए? प्यून ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर मेरी गलती के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं बगैर डोर नॉक किए अंदर आ गया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसका चेहरा देखकर अभय और मिस्टर अग्निहोत्री दोनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। मिस्टर अग्निहोत्री ने हड़बड़ाकर कहा, ऐसी क्या बात है? जवाब में प्यून ने कहा, सर तुरंत आप फायर ब्रिगेड को कॉल कीजिए, मिस सायशा की जान खतरे में है। ये कहते हुए उसने सारी बात प्रिंसिपल को बता दी। सायशा का नाम सुनकर अभय कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो गया और गौर से उसकी सारी बातों को सुनने लगा। उसकी बात खत्म होते ही अभय तुरंत उस बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ा जहाँ सायशा थी। क्या अभय सायशा की जान बचा पाएगा? आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा कॉलेज की बिल्डिंग में अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अमित उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचना चाह रहा था। सायशा भी अमित की ओर जाने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही थी। अमित ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाभी ऊपर आने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। सायशा ने नीचे देखा। ऊंचाई देखकर वो घबरा गई। वो ऊपर आने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकामयाब थी कि तभी वहां अभय पहुंच गया। अभय के साथ और भी कई लोग मौजूद थे। इस वक्त सायशा की कंडीशन ऐसी थी कि कोई चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। सायशा को खतरे में देखकर कभी ना डरने वाला अभय आज जोर से डर गया था। अभय ने बगैर अपनी परवाह किए सायशा की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया और उसके हाथ बढ़ाते ही अमित और अभय दोनों ने मिलकर सायशा को बिल्डिंग के अंदर खींच लिया। सायशा का डर के मारे बुरा हाल था। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर आई, अभय ने एक कड़वी नजर उस पर डाली और अमित की ओर देखकर उसने कहा, अमित तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता हूँ? जरा भी अक्ल है तुम्हें? ये लाइंस कहते वक्त अभय की नजरें सायशा पर थी। अमित को अभय की बात समझ में नहीं आई। उसने सर खुजलाते हुए कहा, लेकिन भैया, उसे बीच में ही रोकते हुए अभय गुस्से से बोला, बस करो, तुम्हारे जितनी परवाह करता हूँ तुम उतने बेपरवाह होते जा रहे हो। अब अमित को समझ में आ चुका था कि ये डांट उसके लिए नहीं बल्कि सायशा के लिए है। वहाँ बिल्डिंग में मिस्टर अग्निहोत्री के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स और कॉलेज की फैकल्टी भी मौजूद थी।
इसीलिए अभय सायशा को डायरेक्टली कुछ ना कहकर अमित के कंधे पर बंदूक ताने हुए था। सायशा को समझ आ चुका था कि अभय ने ये सारी लाइंस उसके लिए कही है। वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। तभी भीड़ के बीच से लावण्या उसके पास आई और उसने सायशा के कंधे सहलाते हुए कहा, सायशा तुम ठीक तो हो ना? तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। लावण्या के साथ वहाँ आकाश भी मौजूद था और भी कई मेल फैकल्टीज वहाँ पर मौजूद थे। आकाश ने भी हड़बड़ाकर सायशा से कहा, सायशा आर यू ओके ना? धीरे से सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। आकाश की आवाज सुनकर अभय ने आकाश पर नजर डाली। उसकी हाइट लगभग अभय के बराबर थी और देखने में भी वो काफी डैशिंग था। उसे देखकर अभय को थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होने लगी। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने आकाश के साथ मौजूद दूसरे मेल फैकल्टीज पर नजर डाली। उन्हें देखकर अभय को तसल्ली हो गई क्योंकि आकाश को छोड़कर सारे लोग दिखने में साधारण थे। अभय ने कुछ सोचा और उसने एक तीखी नजर सायशा पर डाली और वहां से चला गया। उसे फॉलो करते हुए अमित भी वहां से चला गया। अभय और अमित जैसे ही उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचे, अमित को देखकर वहां मौजूद स्टूडेंट्स आपस में कुछ बातें करने लगे। तभी उसकी नजर बिल्डिंग के नीचे सर झुकाए हुए खड़ी आर्या पर गई। उसे देखकर अमित ने दांत पीसते हुए कहा, जो कुछ आज हुआ इस लड़की की वजह से हुआ। बड़बड़ करते हुए वो आर्या के पास पहुंचा। आर्या के पास उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। अमित ने आर्या की ओर देखकर आंखें से गोड़ कर कहा, अगर तुम्हें मरने का इतना शौक था तो जहर खाकर मर जाती, किसी पटरी पर चली जाती। यहाँ कॉलेज में आकर तुम्हें तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आज तुमने देखा ना, तुम्हारी वजह से सायशा मैडम की जान पर बनाई। अमित आर्या को जोर जोर से डांटने में लगा हुआ था। एक पल अभय भी वहां रुका और कुछ सोचकर वो वहां से यूनिवर्सिटी के एग्जिट डोर की ओर चला गया। अमित अब तक आर्या को डांटने में लगा हुआ था। आर्या के साथ मौजूद बॉयफ्रेंड ने अमित को समझाते हुए कहा, आर्या की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो सब मेरी वजह से ही हुआ है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। अमित ने गुस्से से आर्या और उसके बॉयफ्रेंड को देखा और वहां से यूनिवर्सिटी के एग्जिट डोर की ओर चल पड़ा। आज इस एक्सीडेंट की वजह से सारी क्लासेस पोस्टपोन कर दी गई थी। आज कॉलेज समय के पहले क्लोज हो गया था। दोपहर के 2 बज चुके थे। सायशा भारी कदमों से यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसे अभय की कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। उसने पीछे पलट कर देखा, अभय की कार वहां मौजूद थी। सायशा को समझ में आ चुका था कि अभय उस पर काफी नाराज है। वो डरती हुई कार के पास पहुंची और कार की पिछली सीट पर सेटल हो गई जहां पहले से अभय मौजूद था। इस वक्त कार विनय ड्राइव कर रहा था। उसके सेटल होते ही कार वहां से निकल पड़ी। इस बीच अभय ने उससे कोई बात कर घूमता है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो साथ में बॉडीगार्ड लेकर चलूं। आई एम सॉरी, बॉडीगार्ड्स मेरे साथ नहीं आ सकते। अभय ने घूरकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कल से तुम बॉडीगार्ड के साथ आओगी। उसकी बात खत्म होते ही सायशा ने जिद करते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें कह दे रही हूँ, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं आएंगे। गाड़ी ड्राइव कर रहा विनय सायशा की सलामती के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसने पहली बार अभय के साथ किसी को इतनी बदतमीजी करते जो देखा था। कुछ देर बाद उसकी कार पैलेस के सामने आकर रुकी। कार रुकते ही अभय ने डोर ओपन किया और बगैर सायशा से कुछ कहे पैलेस के अंदर चला गया। सायशा गाड़ी के अंदर बैठकर अभय को देख रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, ये आदमी इतना जहरीला कैसे हो सकता है? क्यों ये किसी की परवाह नहीं करता? ये सोचती हुई वो कार का डोर ओपन करके कार से बाहर निकल आई। तभी वहां दूसरी कार आकर रुकी। अमित ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और सायशा के पास आकर उसने कहा, भैया से डांट पड़ी? उसकी बात खत्म होते ही सायशा ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा, तुम हमारे साथ हमारी कार में क्यों नहीं आए हूँ? अमित ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि आज आपको भैया से डांट पड़े। उसकी बात सुनकर सायशा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। अमित ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, आपका चेहरा देखकर समझ में आ रहा है आपको आज कुछ ज्यादा ही डांट पड़ गई है। सायशा ने उसकी ओर देखा और शिकायती लहजे में कहा, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए था, तुम होते तो शायद मुझे डांट कम पड़ती। उसकी बात सुनकर अमित ने हंसते हुए कहा, अगर मैं होता तो आपके साथ साथ मुझे भी डांट पड़ती कि मैंने आपका ख्याल क्यों नहीं किया। ये कहते हुए अमित ने सायशा के कंधे पर हाथ रख दिया और वो दोनों बातें करते हुए पैलेस के अंदर जाने लगे। अमित ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आपको पता है भाभी, आपको बचाने के लिए अभय भैया ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की।
अगर उनका जरा भी बैलेंस बिगड़ता तो वो सीधे बिल्डिंग के नीचे गिर जाते, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था आपको बचाने के चक्कर में वो बिल्डिंग की 4 फुट की बाउंड्री पर ऑलमोस्ट बाहर की ओर आ चुके थे, उनके पैर हवा में झूल गए थे। ये कहते वक्त अमित काफी सीरियस था और उसने सरशा की ओर देखकर गहरी सांस लेकर कहा, सचमुच मेरा भाई आपसे बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है और आपको उनके प्यार की कदर करनी चाहिए। ये बोलकर अमित पैलेस के अंदर जाने लगा। सायशा ने उसे आवाज देकर रोका और कहा, अमित क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, कैसी हेल्प? सायशा ने मासूमियत से कहा, अभय मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताओ ना कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं। ये लाइन्स कहने के बाद सायशा की नजरें अमित पर थी। अमित ने कुछ सोच कर कहा, कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ये कहने के बाद अमित सायशा के पास आया और कहा, तो लग जाइए खाना खजाना में। सायशा ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया और अमित पैलेस के अंदर चला गया। सायशा लिविंग रूम में एंटर हो चुकी थी, जहां अभय सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। इस बीच अभय ने एक नजर भी सायशा पर नहीं डाली। सायशा अभय के पास रखे सोफे पर बैठ गई कि तभी वहां हेड सर्वेंट पहुंचा। उसने सायशा और अभय की ओर देखकर कहा, आज लंच में आप लोग क्या लेंगे? उसकी बात सुनकर अभय कुछ कहने ही वाला था कि तभी बीच में सायशा बोल पड़ी, आज लंच मैं बनाऊंगी। ये कहने के बाद सायशा ने हल्की नजर अभय पर डाली। अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो मैगजीन पढ़ने में बिजी था। सायशा की बात सुनकर हेड सर्वेंट ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है हम सभी आपकी हेल्प कर देंगे। जवाब में सायशा ने कहा, नहीं नहीं आज आप लोगों की किचन से छुट्टी। हेड सर्वेंट सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। सायशा ने उसे कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाकर सर्वेंट ने स्माइल करते हुए कहा, ओके मैडम। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सायशा ने अपने हैंड पर्स सोफे पर रखा और बगैर चेंज किए किचन की ओर चली गई। उसके जाने के बाद अभय ने उसके जाने वाली डायरेक्शन में देखा और एक बार फिर मैगजीन पढ़ने लगा। अभय मैगजीन पढ़ रहा था कि तभी उसके पास अमित पहुंचा। उसने स्पोर्ट्स ड्रेस पहन कर रखी थी। अभय ने उसकी ओर देख कर कहा, क्या तुम बाहर जा रहे हो? अमित के हाथ में फुटबॉल थी। उसने फुटबॉल शो करते हुए कहा, जी हाँ मैं फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी मैगजीन पर नजरें गड़ा कर बैठ गया। अमित उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। अभय ने बगैर उससे आई कॉन्टेक्ट किए कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? अमित ने कहा, भैया आज आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अभय ने बगैर उसकी ओर देखे कहा, क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। जवाब में अमित ने कहा, आज सायशा भाभी को बचाने के चक्कर में आपने मेरी पहचान कॉलेज में रिवील कर दी। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। अमित की बात सुनकर अभय ने उस पर हल्की नजर डाली और सपाट लहजे में कहा, सच्चाई किसी से नहीं छुपती, आज नहीं तो कल तुम्हारा सच पता चल ही जाता। अमित ने छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा, लेकिन भैया मैं जब तक वहां से पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेता मैं नहीं चाहता कि मेरी सच्चाई किसी को पता चले। आपको पता है जिस तरह स्कूल में मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था, सब मुझसे दूर भागते थे, और यहाँ पर भी मेरे साथ यही होगा। आपके नाम के डर से मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, ना ही मुझसे कोई बात करेगा। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं जी पाऊंगा भैया। ये कहते वक्त अमित की आवाज में शिकायत के भाव थे, लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह है, मैगजीन पढ़ रहा था। अमित ने एक बार फिर अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, भाई आप सुन रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? अमित ने सपाट लहजे में कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए निकलना चाहिए। अमित ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था भाभी के आने के बाद आप इतने पराए हो जाएंगे कि आपको आपके भाई का भी ख्याल नहीं होगा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।